स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर हाजिर हुई हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, ये वैकेंसी आ रही है सागी सीमेंट की तरफ से। तो दोस्तों, आप लोग ने इसका नाम तो ज़्यादातर सुना ही होगा, क्योंकि इसका एडवर्टाइजमेंट टीवी वगैरह पर भी होता रहता है। काफ़ी ज़्यादातर इसका एडवर्टाइजमेंट होता है। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी कंपनी है। और देखिए दोस्तों, जो है इसकी ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, और इसकी जो वैकेंसी है, काफ़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसमें देखिए जो है आप लोग डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा बीई बीटेक आप लोगों ने कर रखा है, आप अगर किसी भी ब्रांच से है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अदर भी किसी ब्रांच से आप लोग एलिजिबल रहने वाले हैं। साथ ही साथ देखिए आप लोग इसमें जो है, अगर आपने 2016 से लेके आप लोग का जो बैच है 2021 तक का, किसी भी ईयर में आप लोग का बैच है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग का फ्रेशर जो है आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो है, मैं आप लोग को ये भी बता देती हूँ, एक्सपीरियंस भी इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। एक्सपीरियंस के लिए भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं इसमें, काफ़ी सारी वैकेंसी हैं। और साथ ही साथ फ्रेशर के लिए तो है ही, मैं स्पेशली फ्रेशर के लिए लाती रहती हूँ, और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फ्रेशर के लिए। साथ ही साथ हम लोग यहाँ बताएंगे एक्सपीरियंस के लिए कौन सी जॉब होगी, कौन सा अप्लाई करना है फॉर्म आप लोगों को, और फ्रेशर के लिए किस वैकेंसी में अप्लाई करना है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब साथ ही देखिए हम लोगों को क्या करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम लोग को करना है, देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, गूगल क्रोम पर हम लोग सर्च करेंगे सांघी सीमेंट। अब देखिए आप लोग टाइप करने के बाद साइड में आप लोग को इस प्रकार का ये मेन्यू बार, ये सर्च बार दिखेगा, यहाँ पर आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग का जो इंटरफेस है इस प्रकार का ओपन होकर आ जाएगा। अब देखिए मैंने जो है पहले से ही ओपन कर रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, और इस प्रकार का आप लोगों के में इंटरफेस ओपन हो जाएगा। बट मेरे में पहले से ही आप लोग का ओपन है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। अब देखिए आप लोग को क्या करना है, आप लोग को इसकी ऑफिशियल जो साइट है, देखिए मैं यहाँ पर देख बता देती हूँ, देखिए इस साइट पर आप लोगों को क्लिक करना है। जब आप लोग इस साइट पर क्लिक करेंगे तो आपका एक न्यू टैब खुलकर आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर किया है मैंने, और देखिए मेरा यहाँ पर इस प्रकार का न्यू इंटरफेस खुल गया है। इसी प्रकार का आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस प्रकार का आप लोग का इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए थोड़ा स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल डाउन करना है, जिस प्रकार से मैं करती जा रही हूँ, थोड़ा और स्क्रॉल। और आप लोगों को मैं बता देती हूँ, आप अपने फ़ोन को जो है डेस्कटॉप मोड पर डाल लें, ये बात आप लोग ध्यान रखें, आप लोग डेस्कटॉप मोड पर डाल लेंगे आपको आसानी होगी। देखिए मैं जो है आप स्क्रॉल डाउन कर चुकी हूँ एकदम एंड तक, ठीक है। जिस प्रकार से आप लोग स्क्रॉल डाउन करते हुए आप लोग एकदम एंड तक पहुँच जाएंगे, तो वहाँ पर आप लोग को देखिए इस प्रकार का यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा, कैरियर आप लोग को यहाँ दिख रहा है। देखिए मैं अब जब कैरियर पर क्लिक करूंगी तो मेरा एक और न्यू टैब खुलकर आएगा। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर चुकी हूँ, मेरा इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ गया है। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक नया टैब ओपन हो गया है। अब देखिए मैं थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करूंगी, फिर धीरे धीरे आप लोग को स्क्रॉल डाउन करना है। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं आप लोगों के। अब देखिए मैं आप लोग को बता देती हूँ, आप ना वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप मत किया करिए, तो जिससे कि आप लोग स्किप कर देते हैं आप लोग को प्रॉब्लम हो जाती है, अदर किसी टैब पर पहुँच जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक आ रहा है आप लोग का जॉब ओपनिंग का। अब देखिए यहाँ पर देखिए आ रहा है अप्लाई फॉर अदर पोजीशन। अब देखिए आप लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ से अप्लाई कर देते, तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है। मैं जिस तरीके से बता रही हूँ उस तरीके से करना है, आप वहाँ से फ्रेशर वाली जॉब पे पहुँच पाएंगे। अगर यहाँ से ही आप लोग अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देंगे, आप लोग जो है एक्सपीरियंस लोगों की जो वैकेंसी है उस पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है जॉब ओपनिंग, इस पर क्लिक करना है। देखिए मैं इस पर क्लिक करने वाली हूँ। देखिए अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी जो है आप लोग का एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। देखिए मैं इस पर क्लिक करती हूँ, मेरा एक न्यू टैब ओपन हो गया है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे न्यू टैब ओपन हो चुका है। अब देखिए आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए आप लोग को एक ऑप्शन दिया है सेलेक्ट लोकेशन, आप लोगों को सेलेक्ट लोकेशन करना है। सेलेक्ट लोकेशन डालनी है आप लोगों को इंडिया, या फिर आप लोग यहाँ पर ये जो छोटा सा बार दिखा है इस पर क्लिक करके आप जो भी लोकेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं वो लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को सर्च यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना है और सर्च हो जाएंगी। जैसे ही आप लोग की जो जॉब है देखिए सर्च हो जाएंगी, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को कर देती हूँ थोड़ा सा। तो देखिए इस प्रकार के आप लोग की काफ़ी सारी जॉब सर्च होकर आ जाएंगी।
देखिए यहाँ पर, देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है करंट ओपनिंग। करंट ओपनिंग में देखिए, जो करंट में आप लोग की जो जॉब निकल कर आ रही है वो आप लोग की यहाँ पर सर्च हो जाएगी। अब देखिए जो सबसे पहले जो हमारे जॉब करंट ओपनिंग में आ रही है वो है देखिए यहाँ पर इंजीनियर की। अब जो भी स्टूडेंट यहाँ पर देखिए मैकेनिकल से हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई भी ग्रेजुएशन किया है आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसकी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर जॉब लोकेशन है यहाँ पर गुजरात है, परमानेंट जॉब है, एंड 1 दिसंबर को ये पोस्ट की गई है जॉब। मैकेनिकल वाले ऑनली स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इसमें जो है, इस वैकेंसी में जो है डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, एंड जो इसमें जो फ्रेशर है, फ्रेशर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओनली ट्रेनी की जॉब है, परमानेंट जॉब है, एंड और आप लोग फ्रेशर हैं, 2016 से लेके 2021 तक के फ्रेशर स्टूडेंट हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, अब देखिए नेक्स्ट जो जॉब है हमारी वो है मैनेजर की, मैनेजर एंड प्रोडक्शन की। तो इसमें जो है मैनेजर, इसमें जो है ग्रेजुएशन स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे, इसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और देखिए अब अगर आपके पास जो है ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा दोनों है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्शन की जॉब है, और देखिए यहाँ पर जो जॉब लोकेशन है आप लोग की गुजरात है, परमानेंट आप लोग की जॉब है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग को, और नवंबर में आप लोग की जॉब पोस्ट की गई है। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर मैनेजर की, जो आप लोग को जॉब दी गई है यहाँ पर देखिए राजस्थान में आप लोगों का यहाँ पर लोकेशन है, यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट दिया गया है, और जॉब लोकेशन आप लोग की राजस्थान है, और परमानेंट जॉब है, इस पोस्ट की गई है इसे 29 नवंबर को। तो इस तरीके से काफ़ी सारे यहाँ पर देखिए जॉब है, यहाँ पर देखिए इंजीनियर की है, यहाँ पर देखिए इंजीनियर की। तो देखिए मैं आप लोग को ये बता देती हूँ, यहाँ पर जो है प्रोडक्शन, ये जो है इंजीनियर की ये वाली जॉब है, इसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए आप लोग इन पर एक बार, ये जो मैनेजर मैनेजर की, देखिए इसमें वो जो है ग्रेजुएशन अप्लाई करेंगी ग्रेजुएशन वाले, यहाँ जो मैनेजर की है उसमें भी आप लोग ग्रेजुएशन की स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, परंतु ये जो इंजीनियर की जॉब है इसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर सीनियर इंजीनियर, तो इसमें जो है ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। आप सब यहाँ पर देख सकते हैं जॉब लोकेशन दिया गया है गुजरात, परमानेंट जॉब है, 20 नवंबर को पोस्ट की गई है जॉब। अब देखिए सीनियर इंजीनियर की, यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले अप्लाई करेंगे, यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस भी है। अब देखिए यहाँ पर जो है आप लोग के पास अगर ग्रेजुएशन है और साथ में आपके पास एक्सपीरियंस है, तो देखिए एक्सपीरियंस वाले बंदे यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर, देखिए जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे मैं आप लोग को स्क्रॉल डाउन करके दिखाती हूँ, देखिए और यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आ रही है। आप लोग इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को जो है एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा ओपन करके देख लीजिए किसमें आप लोगों से एक्सपीरियंस मांग रहा है। बाकी हम लोग यहाँ पर स्पेशली जो है फ्रेशर के लिए बात करते हैं, तो हम लोग फ्रेशर के स्टूडेंट की यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे इंजीनियर, तो यहाँ पर देखिए इंजीनियर दिया गया है, हम इंजीनियर की जो जॉब को ओपन करेंगे। देखिए हम यहाँ पर ओपन कर रहे हैं, एक न्यू टैब आप लोगों के पास ओपन होकर आ गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग डिपार्टमेंट है आप लोग का मैकेनिकल का, मैकेनिकल से आप लोग हैं अप्लाई कर सकते हैं। जॉब पोस्ट किया गया 1 दिसंबर को, परमानेंट जॉब है, एक्सपीरियंस जो है फ्रेशर है आप लोग का। अब देखिए इसी प्रकार की जो आप लोग सिमिलर जॉब, जैसे आप लोग जो है मैकेनिकल से हैं या किसी अदर ब्रांच से हैं, ये जो आप लोग की जो सिमिलर जॉब है इस प्रकार की, देखिए इनको भी आप लोग ओपन करके देख सकते हैं। आप लोग को वहाँ पर ज़्यादा हर जो सभी जो जॉब है उनको ओपन करके नहीं देखना होगा, तो यहाँ पर जितनी भी जो सिमिलर जॉब दिखा रहा है, यहाँ पर जो सिमिलर जॉब है में क्या है, आप लोग का जो फ्रेशर स्टूडेंट है, फ्रेशर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इन जॉब्स को आप लोग ओपन करके देख लीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है, ये तो आप लोग की यहाँ पर जो है फ्रेशर वालों की है। अब देखिए मैं थोड़ा ग्रेजुएशन वालों की भी आप लोग को बता देती हूँ। तो देखिए आप लोग यहाँ से अप्लाई कर लेंगे, आप लोग को यहाँ पर अप्लाई का यहाँ पर सिंबल दिया गया है, देखिए यहाँ पर अप्लाई फॉर दिस जॉब, यहाँ से आप लोग को अप्लाई कर लेना है। अब देखिए बात करेंगे हम यहाँ पर ग्रेजुएशन वालों की, जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर ओपन करते हैं मैनेजर की जॉब, तो देखिए हम यहाँ पर मैनेजर की जॉब ओपन करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर जो है आप लोग का डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन का, नवंबर को जो है जॉब पोस्ट की गई है, यहाँ पर देख सकते हैं परमानेंट जॉब है, एक्सपीरियंस आप लोग का 0 0 ईयर है, फ्रेशर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार के सिमिलर जॉब देखिए आप लोग के यहाँ देखने को आप लोग को मिल जाएंगे, आप लोग अगर ग्रेजुएट हैं।
किसी भी ब्रांच से हैं आप लोग एलिजिबल रहने वाले हैं। अब तो क्या आप लोग को अप्लाई किस प्रकार से करना है वो हम लोग बता देते हैं। यहाँ पर देखिए अप्लाई का साइन दिया हुआ है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। तो देखिए मैं आप लोग को बता देती हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ। आप लोग का जो स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे इस प्रकार का इंटरफेस आप लोग का ओपन हो जाएगा। अब देखिए आप लोग को क्या करना है, अगर आप लोग डायरेक्ट जो है जीमेल से ओपन करना चाहते हैं तो ये यहाँ पर गूगल जीमेल पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट ये ओपन हो जाएगा। या फिर आप लोग लिंक्डइन से ओपन करना चाहते हैं तो लिंक्डइन से ओपन हो जाएगा। अगर देखिए आप लोग मैन्युअली ओपन करना चाहते हैं, ना ही आप जीमेल या फिर लिंक्डइन से ओपन नहीं करना चाहते, तो आप लोग क्या करना है, सिंपली आप लोग को यहाँ पर ईमेल आईडी भरनी है, यहाँ आप लोग का अपना पासवर्ड डालेंगे। या फिर आप लोग अगर फ़ोन नंबर से ओपन करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन आप लोग को फ़ोन नंबर डालना होगा और आप लोग यहाँ कर सकते हैं। तो देखिए मैं आप लोग को थोड़ा करके बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर फ़ोन नंबर पर क्लिक करना है, यहाँ आप लोग को देखिए फ़ोन नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा, यहाँ फ़ोन नंबर डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे और साइन इन कर देंगे। इस तरीके से आप लोग का यहाँ पर साइन इन हो जाएगा। साइन इन होने के बाद आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे, आपका एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा जिस पर आप लोग को अपनी डिटेल भरनी होगी अच्छे से। आप लोग को अपना एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, आपको सभी जॉब्स की जो फॉर्म है इसी प्रकार फिल करने हैं। अगर आपके पास जो है एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोग यहाँ पर 0 ईयर एक्सपीरियंस डालेंगे, अपना रिज्यूम अपलोड करेंगे, साथ ही साथ इसी प्रकार से अपनी डिटेल भरेंगे, अपना एड्रेस वगैरह जो भी है आप लोग को डाल देना है। और अपनी ये ध्यान रहे आप लोग अपनी जो है लोकेशन जरूर डाल दें जिस लोकेशन में आप लोग जॉब करना चाहते हैं। तो दोस्तों लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।